हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्चे स्टडी विथ रिंकु साहू चैनल रे। एक क्लास रे आम 2018 मसीह बीड एग्जाम 2018 मसीह दुईट सिफ्टर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन को डिस्कशन करवा हूँ पार्ट नंबर 5 नंबर पार्ट अटे। यह पूर्व चारोटी पार्ट को आपड़ देखि ना आम चैनल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट को जी देखिपारे डिस्क्रिप्शन रे लिंक मध्ये दिया जाइछि। चारोटी पार्ट रे आम 2014 मसीह 2017 मसीह 2018 मसीह मध्ये किछि सिफ्टर क्वेश्चन को डिस्कशन कर सारे। एही क्लास रे मध्ये दुईट सिफ्ट को डिस्कशन करवा आम यह सीरीज माध्यम 2014 मसीह 2022 मसीह पर्यंत समस्त सिफ्टर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन को डिस्कशन करवा आपन देखा चाहती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ ता सहित आम चैनल टेलीग्राम ग्रुप में जनतु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जाइछि। तेणु आरंभ करवा क्लास को गो बैक टू वेद या किए कही बैक टू वेद या किए कही कही स्वामी दयानंद सरस्वती कौन कही बैक टू वेद वेद को फेरी जाओ। वेद होची सकल ज्ञानर अधिकारी एवं स्वामी दयानंद सरस्वती होचंती आर्य समाजर फाउंडर अटंती। को जगह तैयारी करते बॉम्बे ठारे से आर्य समाज को 1875 मसीह से तैयारी करते। सुधी मुमेंट सुधी मुमेंट किए करते स्वामी दयानंद सरस्वती करते सुधी मुमेंट। जो डीएवी स्कूल अच्छी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल यार फाउंडर अटंती स्वामी दयानंद सरस्वती। एवं तांकर ओरिजिनल नेम कौन अटे बा पिलादिनर नाम कौन अटे स्वामी दयानंद सरस्वती मूला शंकर अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच अमंग द फॉलोइंग सोसाइटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा रमन रे को सोसाइटी को राजा रमन रे इंट्रोड्यूस्ड करते कोटा को ब्राह्म समाज को ब्राह्म समाज करते आत्मीय सभा किए कहते करते राजा रमन रे कही आत्मीय सभा। राजा रमन रे को कौन कहुए फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहुए फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहुए प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एवं मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया यह मध्य क्या कहुए राजा रामन राय को। से 1828 मसीह कौन करते 1828 मसीह ब्राह्म सभा को तैयारी करते तापर कौन होता यह ब्राह्म समाज में परिणत होता। 1814 मसीह कौन करते 1814 मसीह आत्मीय सभा को कलिकतारे तैयारी करते एवं तांकु राजा तांको ना कौन अटे राजा अटे रामोहन राय अटे। राजा टाइटल किए देते अकबर सेकेंड अकबर सेकेंड तांकु राजा टाइटल देते गिफ्ट मोनोथिस्ट ततल उल महद्दीन एवं समाद कुमुदी यही न्यूज पेपर किए लिखी थे बुक राजा रामोहन राय द्वारा लिखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन द ईयर 1908 हु वाज हैंगेड फॉर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू किल द अनपॉपुलर जज किंग्सफोर्ड एट मुजफ्फरपुर अर्थात क्या फाँसी दि जाइला के 1908 मसीह कौन पर किंग्सफोर्ड किंग्सफोर्ड जड़े मजिस्ट्रेट थे कौ जगार बिहार रो बिहार रो मुजफ्फरपुर रो कौन कर बम फेंकी देते किए फेंकी थे प्रफुल्ल चक्की एवं खुदीराम बोस फेंकी थे एवं क्या फाँसी दि जाइला खुदीराम बोस को फाँसी दि जाइला प्रफुल्ल चक्की कौन करते फाँसी से निजे मरी जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर द टर्म्स यूज इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम प्रीएम्बल रे को टर्म को एड कर कौटा को रिपब्लिक को यार सटिक आंसर हम रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट केम अप इन द ओपन एट सूरत कांग्रेस सेशन इन द ईयर एमंग द फॉलोइंग अर्थात सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता के यार सटिक आंसर हम 1907 ये हम यार सटिक आंसर 1907 मसीह कौन होता सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता सूरत ठारे होता यार प्रेसीडेंट किए थे रास बिहारी बोस थी एठार प्रेसीडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन होता गोटे थी एक्सट्रीमिस्ट दुई भाग विभक्त होता गोटे थी एक्सट्रीमिस्ट और गोटे थी मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के मैंने थे लाल बाल पाल एवं मॉडरेट रे के मैंने थे बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नारोजी फिरोज शाह मेहता एमने थे बाल गंगाधर तिलक थे मॉडरेट लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थी किए थे मॉडरेट लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले
ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟର ଲାଲବାଲ ପାଲ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଥିଲେ। ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ନେବୁ, ଏହା କହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ କିପରି ନେବୁ, ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିକି ନେବୁ। ଏବଂ ଏହି ମଡରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନେବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ପ୍ରୋସେସରେ ନେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମେ କେମିତି ନେବୁ, ଆମେ ଆମେ ପିଟିସନ୍ ଦେବୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଏହିଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ ସେମାନେ ନରମ ପ୍ରୋସେସରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନରମପନ୍ଥୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲିଂ କମ୍ପୋଜ୍ ଦ ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଗାଇଥିଲେ, 1896 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର କଲିକତା ସେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏଠାରେ ସେ ଗାଇଥିଲେ। ଏବଂ 1882 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦ ମଣ୍ଟ ଏହି ନୋବେଲରେ ଏହାକୁ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗକୁ। ଏବଂ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ କିଏ ଗାଇଥିଲେ, 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କିଏ ଗାଇଥିଲେ, ସୁଚିତା କ୍ରିପାଲିନୀ ଗାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ପଲିସି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶର ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ପାଇଁ ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି କେଉଁ ପଲିସିକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ, କେଉଁଟାକୁ, ସବସିଡାରି ଏଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ। ସବସିଡାରି ଏଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ, ମନେକର ଗୋଟିଏ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଆମ ଦେଶର ରାଜା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଗଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ, ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଏହି ଆମ ଦେଶର ରାଜା ସହିତ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ରାଜା ଯାଆନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଟାକ୍ଟ ହୁଏ ବା କେହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କିଏ ଦେବ, ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେବ, ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଦେବେ। ଏହା ଭାବିବେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବେ। ଏବଂ ଏହି ଆମ ଦେଶର ଏ ରାଜା କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ରହିବା, ଏବଂ ଏହି ଏ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ରାଜା ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେଲେରି ମଧ୍ୟ କିଏ ଦେବ, ଆମ ଦେଶର ରାଜାମାନେ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ। ସେଲେରି ହେଲା, ରହିବା ଖାଇବା କିଏ ଦେବେ, ଯଦି ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପଇସା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଅଧିକ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ କିଛି ଯଦି ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କର କିଛି ଟେରିଟୋରିକୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ନେଇଯିବେ ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସବସିଡାରି ଏଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏହାକୁ କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରି ଆଣିଥିଲେ ଆମ ଦେଶରେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡୁପ୍ଲିକ୍ସ ଏହାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡୁପ୍ଲିକ୍ସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପୋନିୟର ଅଫ୍ ସବସିଡାରି ଏଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡୁପ୍ଲିକ୍ସକୁ। ଏବଂ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନନ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ପଲିସି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସବସିଡାରି ଏଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଦେଶର ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃଭତାକୁ ହରାଇ ବସିଲେ ବା ସୋଭରେଜିନିଟିକୁ କ'ଣ କରିଲେ, ଆମ ଦେଶର ରାଜାମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଏରିଆରେ କ'ଣ ଡିସିଜନ୍ ନେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ। ସେ କୌଣସି ଦେଶ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସନ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମ ଦେଶର ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃଭତାକୁ ହରାଇ ବସିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଭରେଜିନିଟିକୁ ହରାଇ ବସିଲେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ 1798 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ୱାଜ୍ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 1784, କାହିଁକି ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବା କିଏ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଚାର୍ଲସ ୱିଲକିନ୍ସ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ, କଲିକତାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି କରିଥିଲେ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ, କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଛି, ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲିଂ ଇୟର୍ସ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ କେମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା,
1945 ମସିହାରେ କେବେ ହୋଇଥିଲା, 1949 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 1945 ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1945 ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହୁ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍ ଦ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ କଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଏହି ସୋସିଆଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବୁକ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଜିନ୍ ଜାକେସ୍ ରୁସୋ ବା ରୁସୋ ଲେଖିଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି 80 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର, ତା ସହିତ BED ଏକ୍ଜାମ୍ର 2014 2021ର ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 1774 କିଙ୍ଗ୍ ଲୁଇସ୍ XVI ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଆନି ରୋବର୍ଟ ଜେକେସ୍ ଦୋଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଜେନେରାଲ୍ ବେସିକାଲି ଏନ୍ ଆଟେମ୍ପ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ, 1774 ମସିହାରେ ଲୁଇସ୍ କିଙ୍ଗ୍ ଲୁଇସ୍ XVI ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆନି ରୋବର୍ଟ ଜେକେସ୍କୁ, କେଉଁଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁଟାକୁ, ରୟାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଆଜ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପାଇଁ କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଥିଲେ, କିଏ ଥିଲେ, ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ଥିଲେ, ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍। ଏବଂ ଏହି ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍କୁ କେବେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଆମ ଦେଶରେ, 1883 ମସିହାରେ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍କୁ ଆମ ଦେଶରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଲୋକାଲ୍ ସେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଲୋକାଲ୍ ସେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମ ଦେଶର ଜଜ୍ମାନେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜଜ୍ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିଲେ, ବ୍ରିଟିଶର୍ମାନଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିଲେ ବା ସଜା ଦେଇପାରିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜଜ୍ମାନେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଏହା ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜଜ୍ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସଜା ଦେଇପାରୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶର୍ମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜା ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ୱେର୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଜ୍ ଦ 3 ଇଞ୍ଜିନ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ବାଇ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲାହାଉସି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଲର୍ଡ଼ ଡେଲାହାଉସି ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣକୁ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ, କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ରେଲୱେ କରିଥିଲେ, ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ କରିଥିଲେ, ରେଲୱେ ପୋଷ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାଫ। ରେଲୱେ କେବେ କରିଥିଲେ, 1853 ମସିହାରେ ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଥିଲା, କଲିକତାରେ କରାଯାଇଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ଏବଂ PWDକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ, 1854 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, PWDକୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି କରିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପିଲ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ପିଲ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ, ଏହା କ'ଣ କରିଥିଲା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ତିଆରି କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା। ପିଲ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ୍ ଅଟେ ପିଲ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ତିଆରି କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଉଇଥ୍ ଦ ହାଇଜ୍ କୋର୍ଟ ଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ ମେଡ୍ ବାଏ ହୁ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ କିଏ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥାନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ କିଏ କରିଥାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେଜେସ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ଫେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ଫେଜ୍ କେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ, କେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ, 1919ରୁ 1947କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ଫେଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଆସିଥିଲେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରୁ, 9 ଜାନୁଆରୀ 1915 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ 9 ଜାନୁଆରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କରାଯାଏ, 9 ଜାନୁଆରୀକୁ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ବା NRI ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଡି ହେବ, ହୁ ଆଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଅଟନ୍ତି,
एओ ह्यूम बा अलान ऑक्टेवियन ह्यूम, अलान ऑक्टेवियन ह्यूम अटंती। 1885 मसीह इंडियन नेशनल कांग्रेस को कोई जगह तैयारी कराइला बम्बे ठारे तैयारी कराइला क्या द्वारा तैयारी कराइला एओ ह्यूम बा अलान ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा तैयारी कराइला। किए थे फास्ट प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी थे यार प्रथम प्रेसिडेंट। फास्ट सेक्रेटरी जनरल किए थे एओ ह्यूम थे फास्ट सेक्रेटरी जनरल। फास्ट महिला प्रेसिडेंट किए थे आनी बेसान थे। फास्ट इंडियन महिला प्रेसिडेंट किए थे सरोजिनी नायडू थे। फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट किए थे बदरुद्दीन तेयबजी थे। एवं मैक्सिमम सेशन को जगह होता कलिकतारे होता। एवं किए फास्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे यार आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ आपं क्वेश्चन अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ह्वाट इज द टर्म गिभेन टू द बिल ह्विच इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेम्बर अफ द पार्लियामेंट अदर देन ए मिनिस्टर। यह कौन कहुए यह टर्म को कौन कहुए कोटे जगह इंट्रोड्यूस कर पार्लियामेंट रे इंट्रोड्यूस कर मिनिस्टर मानक द्वारा। यह कहुए प्राइवेट बिल कहुए मिनिस्टर मानक द्वारा कर प्राइवेट बिल कहुए पार्लियामेंट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हाउ मेनी आर्टिकल वेयर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ कन्सर्टमेंट अर्थात आम कन्स्टिट्यूशन केतेटी आर्टिकल अच्छी केवे जिते बिल आम कन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन केतेटी 395 टी केतेटी आर्टिकल अच्छी 395 जेबे तयारी करा जितला सही समय रे 395 टी आर्टिकल थिला वर्तमान अच्छी 448 आर्टिकल केतेटी शेड्यूल थिला 8 टी थिला वर्तमान अच्छी 12 टी 22 टी पार्ट्स थिला वर्तमान अच्छी 25 टी पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आम कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल लिखा जाए सुप्रीम कोर्ट विषय सुप्रीम कोर्ट विषय को आर्टिकल लिखा जाए यार आंसर होगी आपं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ आम कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट विषय लिखा जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट 150 टी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रो क्वेश्चन को डिस्कशन करा जाए ताहा देखि नहांती आम चैनल इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट को देखिपारे 150 टी इंडियन पॉलिटी रो सॉरी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रो क्वेश्चन को डिस्कशन करा जाए ता सहित थ्योरी क्लास को मध्य कराई ताहा आपण देखि नहांती आम चैनल इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट को देखिपारे। तेणु नेक्स्ट यह गोटे सिफ्टर क्वेश्चन 2018 गोटे सिफ्टर यह क्वेश्चन। नेक्स्ट सिफ्ट देखा केमी क्वेश्चन आसी आपड़ एवं पर्यटन जब लाइक करना लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना करूँ। नेक्स्ट सिफ्टर क्वेश्चन को देखा ह्विच एमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आम कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट रु राइट टू प्रॉपर्टी को केबे रिमूव करागला को एमेंडमेंट एक्ट अनुसार राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करागला। आम कॉन्स्टिट्यूशन रे केते रे फंडामेंटल राइट थिला आगरु 7 टी थिला किंतु वर्तमान अछि 6 टी एवं एहि रिमूव कराइ छि या कोन अटे राइट टू प्रॉपर्टी अटे। या को केबे रिमूव करागला या को 44 अमेंडमेंट एक्ट 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 मसीह रिमूव करागला। यही समय आम देशर प्रधानमंत्री किए थे मोराजी देसाई थे यही समय आम देशर प्रधानमंत्री 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 मसीह रिमूव करागला राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करागला फंडामेंटल राइट रु रिमूव करागला। वर्तमान कौन अटे आगर थी फंडामेंटल राइट वर्तमान अटे यह गोटे लीगल राइट अटे आगर फंडामेंटल राइट थी यह लीगल राइट अटे कौटे थी यह 31 आर्टिकल थिला वर्तमान अच्छी 300 ए आर्टिकल लीगल राइट भाव में अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ह्विच वाज द फास्ट न्यूज पेपर पब्लीश इन द इयर 1816 इन इंडिया। फास्ट न्यूज पेपर कौटा अटे 1816 मसीह यह पब्लीश कर सठिक आंसर कौन है यार सठिक आंसर है बेंगल गैजेट अटे किंतु यह 1816 मसीह करा जाय नथिला यह रंग दिया जाय छि 1816 मसीह दिया जाय नथिला। यहाँ को हिक्की गैजेट मध्य कहा जाय कहा द्वारा तैयारी करा जाय थिला जेम अगस्ट हिक्की को द्वारा तैयारी करा जाय थिला। यह केबे तैयारी करा जाय पब्लिश करा जाय थिला 29 जनवरी 1780 मसीह यहाँ को पब्लिश करा जाय थिला 29 जनवरी 1780 मसीह यहाँ को पब्लिश करा जाय थिला कहा द्वारा जेम्स अगस्ट हिक्की को द्वारा कोटा को बेंगल गैजेट को बा यहाँ को हिक्की गैजेट मध्य कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
हु कैंपेन फॉर विडो रिमेरेज एंड सक्सेस इज गेटिंग विडो रिमेरेज एक्ट पास इन द ईयर 1856 अर्थात 1856 मसीह किए विडो रिमेरेज एक्ट को पास करते किए यार कैंपेन करते कैंपेन किए करते कौन कराला विडो रिमेरेज एक्ट रे कराला 1856 मसीह ईश्वर चंद्र विद्यासागर करते एवं यह किए करते लॉर्ड कैनिंग करते लॉर्ड कैनिंग कौन करते 1856 मसीह विडो रिमेरेज एक्ट आनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द नेम ऑफ द जर्मनी प्लान फॉर अटैकिंग फ्रांस एंड रूसिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन वाज नोन एज जर्मनी कौन करता अटैक कर फ्रांस और रूसिया को वर्ल्ड वार फर्स्ट रे प्लान को कौन कहा जाए यह कहुए सियाचिन प्लान कहा जाए सियाचिन प्लान कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन ह्विच ईयर डिड राजा राममोहन राय एस्टाब्लीश द ब्राह्म समाज को राजा राममोहन राय केवे एस्टाब्लीश करते 1828 मसीह 1828 मसीह से एस्टाब्लीश करते कौटा को राजा राममोहन राय ब्राह्म समाज को एस्टाब्लीश करते आत्मीय सभा को 1814 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज प्रपोज एंड स्टार्टेड बाय मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किए स्टार्ट करते किए तैयारी करते यह कौन कह बर्तमान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहुए 1875 मसीह कौ जगह अच्छी यूपी रे अच्छे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यह प्रथम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था मुस्लिम मानी यह कौन करलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिगला किए करते सार सैयद अहमद खान करते सार सैयद अहमद खान कौ जगह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अंडर ह्विच जुरिडिकेशन सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू बा जुडिशियल रिव्यू विषय कौ जगह कर एपिलेट जुरिडिकेशन अर्थात हाईकोर्टर जुडिकेशन को जजमेंट को किए कर रिव्यू करते सुप्रीम कोर्ट यह एपिलेट जुरिडिकेशन अनुसार कराए कौ आर्टिकल लिखाई 132 रु 134 आर्टिकल लिखाई आम कन्स्टिट्यूशन 132 रु 134 आर्टिकल कौन लिखाई एपिलेट जुरिडिकेशन एवं एपिलेट जुरिडिकेशन क्या द्वारा कराए जदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस तेल आपल करेंगे जब जजमेंट जो दि जाएगी ताद को रंग लगे भूल लगे तेल आपड़ हाईकोर्ट को जापारे और हाईकोर्ट रू कौटे जापारे सुप्रीम कोर्ट किंतु सुप्रीम कोर्ट हूँ एपेक्स कोर्ट अटे अधिक को जापारे ना जोटा देव डिसीजन ता फाइनल अटे व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एनेक्टेड व्हिच वाज प्रपोज बाय लॉर्ड लिटन लॉर्ड लिटन कौन करते वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आनी के 1878 मसीह 1878 मसीह कौन आनी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आनी द्वारा कौन करा प्रेस निज अनुसार से छापी पार ना प्रेस एवं यह किए रिमूव करते आप कमेंट बक्स कमेंट करूँ आपं क्वेश्चन अटे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किए रिमूव करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु हाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर 1947 परमानेंट प्रेसिडेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रथम परमानेंट प्रेसिडेंट राजेन्द्र प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद कौन थे परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो टेम्पररी किए थे टेम्पररी सच्चिदानंद सिन्हा। व्हिच ब्रांच ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन द इंडियन डेमोक्रेसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी अर्थात पॉलिसी कोठारे इम्प्लीमेंट करा जाए गवर्नमेंट रो कोठारे डेमोक्रेसी रे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रे बा आम देश रे कौन से पॉलिसी को किए इम्प्लीमेंट करी एग्जीक्यूटिव किए करते एग्जीक्यूटिव करते लेजिस्लेटिव कार्य कौन अटे लेजिस्लेटिव कार्य हूँ आईन तैयारी करवा एग्जीक्यूटिव कार्य कौन यह इम्प्लीमेंट करवा जो मैंने गवर्नमेंट सर्विस करें कौ अंडर आसी था एग्जीक्यूटिव आसी था कौन कर गवर्नमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर एवं जुडिशियरी जुडिशियरी कार्य कौन अटे ताक रिव्यू देवा ता ठीक अच्छे ना से प्लांटी ताक रिव्यू करवा ऑडिटर भाव कार्य करें ऑडिट करें
जुडिशियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम विश्वयुद्ध पर द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह सेकेंड बहादुर शाह जाफर वाज एग्जीक्यूटेड बाय ब्रिटिश एंड सेंट टू व्हिच प्लेस अमंग द फॉलोइंग, अर्थात बहादुर शाह सेकेंड को कोठारे तांको पठा जाइतला, को जेल को प्रथम विश्वयुद्ध पर? रंगून जेल। प्रथम विश्वयुद्ध माने कौन अटे? 1857। एठारे कौन हो रही 1857 विद्रोह पर बहादुर शाह जाफर किए थे? 1857 विद्रोह लीडर थे। यह कौन कह जाए? सिपाही विद्रोह कह जाए। क्यों माने सिपाही विद्रोह कहते? ब्रिटिशर मानों पर था सिपाही विद्रोह, आम पाई कौन था? फास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रीजन टू इंडिकेट दैट इंडिया इज ए रिगार्डेड एज द सेक्युलर नेशन एज पर द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौटार आम जानपर जे आम देश हूँ गोटे सेक्युलर कंट्री अटे, आम प्रीएम्बल कौटा इंडिकेट करते कौटा आमको जनई थाए, कौटा जनई थाए? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स इक्वल राइट टू ऑल द रिलीजन ऑफ इंडिया, समस्त को कौन कर समस्त की इक्वल राइट दि जाए थे, से आम देश प्रीएम्बल कौन कर आम देश गोटे सेक्युलर कंट्री भाव में सेक्युलर नेशन भाव में कह समस्त रिलीजन को समान अधिकार दी जाए। द फॉलोइंग वेयर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश रेगुलर ट्रेड विथ इंडिया, अर्थात आम देश में क्यों मैंने सर्वप्रथमें वाणिज्य व्यवसाय करते? क्यों मैंने? पर्तुगीज मैंने भास्कोडा गामा आसी सर्वप्रथमें से जलपथ को आविष्कार करते, जलपथ एस्टैब्लिश करते पर्तुगीजर भास्कोडा गामा के आसी 1498 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी व्हिच सेट अप इन 1916 एट बॉम्बे बाय के करते? फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी के 1916 मसीह बॉम्बे ठारे किए? दंडकेशव कर्वे। एवं से कौन करते? जड़े 23 वर्षर विडो को बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी रिलायंस इन इंडिया, आम देश में सब्सिडरी रिलायंस को किए इंट्रोड्यूस करते? लॉर्ड वेलेसली इंट्रोड्यूस करते। हैदराबाद निजाम सर्वप्रथम एक्सेप्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हाट वाज द कंडेमेंस ऑफ जर्मन इनवेजन ऑफ द यूएसएसआर इन द ईयर 1941 मसीह जर्मनी यूएसएसआर को आक्रमण करता कौन कहुए? ताकि ऑपरेशन बारबारोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश, किए करते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? किए करते? महात्मा गांधी करते। के 1920 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ए पार्टिकुलर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा एंड द अंडर आर्टिकल 19 सेकेंड इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द बिल एमंग द फॉलोइंग व्हिच मस्ट बी रिटर्न बाय द राज्यसभा विदिन ए पीरियड ऑफ 14 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द बिल। यह बिल को कौन कहुए? या कहुए मनी बिल कहुए, मनी बिल। एवं मनी बिल विषय आम क्वेश्चन 110 आर्टिकल रे लिखा जाइछि। या के इंट्रोड्यूस करै थांती लोकसभा रे करै जेते एवं लोकसभा रा स्पीकर करै थांती, तापर कोन कहिथे 14 दिन पय राज्यसभा को जेते एवं तापर तहार रिटर्न होइ जेते ऑटोमेटिक। व्हिच वाज द फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इन इंडिया टू बी फोर्टिफाइड, फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट कोटा उठे? फोर्ट एंड जॉर्ज। एठार सर्वप्रथमें से माने करते 1637 मसीह फास्ट सेटलमेंट करते कोई जगह अच्छे मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ड्राफ्टिंग कमिटी तहार चेयरमैन किए थे? कते जन मेंबर्स थे? एथे 7 जन मेंबर्स थे। यार चेयरमैन किए थे आपन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एवं आपण जदि एबे पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करूँ एवं आपण लाइक करना ताले लाइक करूँ। अन्य पार्ट गुड़िक देखी ना ताले आपण आम चैनल हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट को जाए आपण हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस रो समस्त पार्ट को देखिपारे।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो एवं अन्य क्लास करना प्लेलीस्ट को जाए देखिपारे टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होना जॉइन हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेनाली थैंक यू।